Hello everyone, the takeoff welcome you all once again. Today I am going to discuss a new chapter of income tax, that is taxation of dividend. This is although a small chapter but very important from exam point of view. So today I am going to discuss taxation of dividend. Let me first give a brief introduction of what is dividend. Dividend kya hota hai? डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कंपनी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करती है? कंपनी एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स करती है एंड एज पर द शेयर होल्डिंग शेयर होल्डर गेट्स द डिविडेंड. सो क्या डिविडेंड देना कंपल्सरी होता है? नो, इट इज़ अप टू द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अगर कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा हो रखा है या सरप्लस ज़्यादा हो रखा है, करेंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ज़्यादा है, देन ओनली कंपनी गिव डिविडेंड टू इट शेयर होल्डर. अगर कंपनी सरप्लस को री इन्वेस्ट करना चाहती है, देन कंपनी कैन डू सो एंड दैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग. सो इन द टुडेज वीडियो आई विल डिस्कस what is dividend and what is dividend distribution tax. So I will start now. What is dividend? As I have already discussed, reward or profit sharing, that is distribution of profit to its shareholder on their investment in the company. Matlab jitna bhi shareholder invest kar rakhe hain, as per their shareholding they get the dividend out of the profit. Profit kaun sa? It can be the current year profit or accumulated profit. Dividend हम दो तरीके से receive करते हैं. अगर foreign company में invest कर रखें, then that will be dividend received from foreign company. वो taxable होता है under section 115 BBD. ये सारे section हम लोग brief में discuss करेंगे. And second होता है dividend received from domestic company, means Indian company. वो भी दो तरीके का होता है. एक होता है एक्चुअल डिविडेंड विच इज़ टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBDA एंड सेकेंड वन इज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22. इसका सबसेक्शन होता है ए बी सी डी एंड ई. ये सारे सेक्शंस को हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट हम ये देखते हैं CDT और DDT क्या होता है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना कि कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है क्या वो टैक्सेबल होता है. अगर होता है देन हु पेज द टैक्स एंड एट व्हाट रेट. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इट. CDT क्या होता है? कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स. जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है एंड पे करती है, देन कंपनी हैज़ टू पे सर्टन अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन इट. CDT is payable by domestic company in addition to income tax on the amount declared or distributed by way of dividend, whether out of current profit or accumulated profit. Basically, ये एक tax होता है apart from income tax जो कि company को pay करना पड़ता है जब भी वो dividend distribute करती है अपने shareholders को. कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज पेड बाय द कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर. किसे पे करती है? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. कब पे करती है? विद इन 14 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड विच एवर इज अर्लियर. सो दिस इज द डेट व्हेन द कंपनी हैज टू डिपॉजिट और pay the tax to the central government. Now, क्या उस dividend distribution tax का deduction company ले सकती है? No. DDT is not allowable deduction under IT Act. So, उस amount का वो deduction company cannot claim. Now, this is important to know what is the rate of DDT. So, this is 15% on gross dividend.
प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस. सो वॉट एवर कम्स विल बी द रेट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. नाउ वी विल सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. DDT is calculated by grossing up payment method. We will see, for example, dividend distributed is 100 rupees. Now, grossing up kaise karte hain? Apne dekhenge. 100 divided by 85. Since the rate of tax is 15%, so 100 divided by 85 into 100, which comes 117.65 DDT. इसका 15% लेंगे जो आएगा हमारा 17.65. इसमें 17.65 पे सरचार्ज 12% लेंगे तो 2.12 विल बी द सरचार्ज. एडिंग द टू दैट मीन्स 17.65 प्लस 2.12 जो भी अमाउंट आएगा उस पर हम सेस लेंगे एट द रेट ऑफ 4% विच कम्स 0.79. सो द इफेक्टिव टैक्स रेट बिकम्स 20.555% ऑन 100 रुपीज़. तो ये हमारा रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा फॉर DDT. नेक्स्ट पॉइंट सेज देयर विल बी नो ग्रॉसिंग अप डिविडेंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 सबसेक्शन ई. दिस सेक्शन आई विल बी डिस्कसिंग इट बट इन माय नेक्स्ट वीडियो. उसमें रेट हो जाएगा 30% डिविडेंड टैक्स प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस. जो भी रेट होगा वो हमारा इस सेक्शन पे एप्लीकेबल होगा. नाउ देयर इज अ अमेंडमेंट इन दिस टॉपिक विच वॉज Dividend distribution tax has been abolished from financial year 2020-21 onwards. Matlab, after this, there will be no DDT tax on company. Company ko tax pay karne ki zarurat nahi hogi. Wo sirf shareholder aur recipient ke haath mein taxable hoga. Dividend is taxable in the hands of recipient and no dividend distribution tax is to be paid. This was a very important amendment we need to see. That's all for today. I will be discussing more section in detail in my next video. Thank you all.